हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं एग्जाम एम्पायर एमआरती त्रिवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं जीके जीएस सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, कल से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी ये क्या, घर बैठे हमें ये दवाई पकड़ा गए लगा गए और अब तो डर लग रहा है। और मैं नहीं भी बनाता, लेकिन एक बच्चे ने जब कॉल किया तो मैं अंदर से लगा कि चलो बनाना चाहिए। कॉल करके बच्चा बोलता है कि गुरुजी कोविड में पापा जी नहीं रहे और अब एक छोटा भाई है, दो बहन है, पूरे परिवार की जिम्मेदारियां मेरे पर है, डर लग रहा है कि क्या होगा। तो भाई मुझे लगा कि ये सब लोग बता रहे हैं कि कोविशील्ड के कोविड वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के सारा मीडिया जगत बता रहा है। तो मुझे लगा कुछ ना वो उपाय बताए जाए जिससे ये स्थिति क्रिएट ही ना हो, ऐसा हो ही ना, कैसे बचा जा सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। मैंने अपने डॉक्टर से, जो मेरे दोस्त लोग हैं उनसे बात करी, तो मैंने पाया कि कुछ जो चीज़ें हैं जैसे क्या लक्षण हो सकते हैं और वो लक्षण आए ही नहीं, उससे पहले कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, और दोस्तों बेहतर जीवन शैली में क्या क्या कारक हैं, क्या खाना आपको क्या करना है, तो वो चीज़ें अपना करके आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं, डर से खौफ से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डर है तो फिर कुछ नहीं, आप सभी को पता है। लेकिन उससे पहले मैं भी आपको बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए हार्ट अटैक का जो गणित है वो समझिएगा दोस्तों, 20 से 40 वर्ष की उम्र वालों में ये ज्यादा आजकल आ रहा है आफ्टर कोविड दोस्तों, ठीक है। तो इनमें लक्षण सामने नहीं आते हैं, कई बार डायरेक्ट एक जिसे कहते हैं ना कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक अचानक से आ गया, हॉस्पिटल जाने तक का टाइम नहीं मिलता है, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन डरना नहीं है, 10 लाख में एक बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, एक आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, तो बहुत रेयर रेशियो है। लेकिन वो एक के साथ भी हो रहा है तो वो बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है 20 से 40 वाली, जब हम सपनों का, उम्मीदों का बोझ, हमारे अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर जब ऐसी खबरें आती है और वो देखो जो भी है मोदी ने डाला या किसी और ने डाला, जो भी किया, ये तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे हो रही है। लेकिन सीधी सी बात है, अब आत्मनिर्भर बनिएगा किसी को दोष देने से, क्योंकि नेता क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, आएंगे जाएंगे, सब कुछ होगा, यही सब चलता है, मीडिया का काम ही यही है सब कुछ करना, डॉक्टर्स का काम तो डॉक्टरों का तो और दुकान चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को ऐसा बनाइएगा, उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना पड़े और ऐसा कुछ आए ना। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, पूरा देखना, अंत तक देखना, उन पे बाद में आएंगे कि कौन से लक्षण है, कौन कौन से कारक है जिन पे आपको ध्यान रखना है। तो इनमें ज्यादातर 20 से 40 वर्ष के युवाओं को हो रहा है दोस्तों, ये 50% मरीजों को अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ रहा है दोस्तों। हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना वजह है। दोस्तों हार्ट अटैक आता कैसे, जो हमारी धमनियां हैं, शीराएं हैं, उनमें बेड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, या दोस्तों प्लेटलेट्स अगर हमारी लगातार गिर रही है तो ये सिंबल होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारी जो शीराएं होती है, जो ब्लड सेल्स होती है, इनमें अगर ये साइड में देखो, ये व्हाइट वाला जो है ये कोलेस्ट्रॉल है, बेड कोलेस्ट्रॉल, ये जब ये जमता रहता है तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, धीरे धीरे ब्लॉक कर देगा तो ब्लड जाएगा नहीं, ब्लड जाएगा नहीं तो ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होती है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई होती नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, मतलब हमारा सांस घुटने लगेगा, ये भी एक संकेत है ना। तो उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे आगे, तो ये मोटी मोटी बात देखिएगा आगे फिर चलते हैं। तो देखो कोविड वैक्सीन बनाने वाली जो कल कंपनी थी एस्ट्राजेनेका ना, तो उसने माना कि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इसके, हालांकि 2021 में जब कोविड वैक्सीन लगाई जा रही थी तब भी इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि साइड इफेक्ट तो हैं, लेकिन अब सभी ये स्वीकार कर रहे हैं, हमारा एम्स आईसीएमआर सब स्वीकार कर चुके हैं। देखो विज्ञान ने भी इतनी प्रगति नहीं करी है कि लगाई हुई दवाई या वैक्सीन वापस निकाली जा सके, बिल्कुल सही बात है, वैक्सीन लगा तो दी गई लेकिन इसको वापस निकाले ये कोई अभी तक टेक्नोलॉजी बनी नहीं है। तो अब डर के जिए या खुल के जिए, हंस के जिए, उसी पर हम बात करेंगे दोस्तों, है ना। एक बच्चा तो ये भी कह रहा था, गुरुजी मर गया अब तो, मैं तो फोन साफ कर रहा हूँ, है ना, फोन साफ कर रहा हूँ। मैं क्या भाई फोन क्यों साफ कर रहा है, कि गुरुजी अब तो कभी भी मर सकते हैं, मोदी जी ने दो दो ठुकवा दी बूस्टर के साथ। मैं क्या ऐसी कोई बात नहीं है ना, अभी तो बहुत कुछ जीना है, अभी तो ससुराल वालों को सर्टिफिकेट भी दिखाना है कि देखो कोविशील्ड नहीं लगवाई मैंने, दूसरी वाली लगवाई है ना, तो डरना नहीं है, मोदी जी ने खुद 3 ठुकवा रखी है, ठीक है। तो देखो थ्रोम्बोसाइटोपोनिया जो है दोस्तों सिंड्रोम, ये दोस्तों क्या है, तब होता है जब खून में प्लेटलेट्स का स्तर गिरता है, यही मुख्यतः हो रहा है दोस्तों, जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे ये चीज हो रही है कि हमारा प्लेटलेट्स लगातार गिरता जा रहा है। इसका मतलब हमें ब्लड टेस्ट ये करवाना चाहिए जरूर, जिसमें सिंबल है, लक्षण मैं आगे बताऊंगा, जैसे सांस फूल रहा है, सिर दर्द हो रहा है, या सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बेचैनी हो रही है, तो उन लोगों को ये टेस्ट करवाने हैं सीधा सा, अगर आपके प्लेटलेट्स गिरे। डॉक्टर की बातों में नहीं ना फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर बहुत ज्यादा डराते हैं, है ना, तो आप खुद देखना कि प्लेटलेट्स अगर आपका गिर रहा है
या दोस्तों आपका CCR या है ना CRP अगर ठीक नहीं आ रहा है तो आप उससे चीजें ठीक कर सकते हो। ठीक है, आप खुद देख सकते हो कि मैं नॉर्मल हूं कि नहीं हूं। डॉक्टर डराते हैं, इतना सारा दवाइयों का पुलिंदा गांठ बांध देंगे, घर ले जाना, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, डॉक्टर और वकील के चक्कर में कभी मत पड़ना, तो इसीलिए कर रहा हूं। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स जो है वो, और ये प्लेटलेट्स होती है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। तो ये जो दोस्तों हमारा प्लेटलेट्स है, जो रक्त कोशिका के टुकड़े होते हैं, ये चोट लगने पर खून को जमने में मदद करते हैं। ये प्लेटलेट्स आपको पता ही है, जैसे अगर किसी के चोट लगती है और अगर उसको थक्का सही समय पर नहीं जम रहा है तो वो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए दोस्तों। तो ये भी एक संकेत है कि आपका ब्लड ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप रिपोर्ट अपनी जांच करवाइएगा। लेकिन किन लोगों को, जिनको लक्षण दिख रहे हैं, प्लेटलेट्स गिर रहा है, CRP, वो सब देखना आपको। ठीक है, अब दोस्तों ये ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्राजेनेका, आप ये पूछ सकता है क्वेश्चन, तो पहला तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो दोस्तों इसमें तरह तरह की बातें लिखी हुई है। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 लोगों की मौत वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोमोसाइटोपोनिया के द्वारा हुई है दोस्तों, है ना, इंड्यूस्ड वैक्सीन के द्वारा जो ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक आया। VITT से पीड़ित हर 5 में से एक लोग की मौत खून का थक्का जमने की वजह से हुई है। VITT मतलब जो इसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, उनमें से 5 में से एक की मौत इस खून का थक्का जमने की वजह से हो रही है। इस प्रकार से थक्का जम जाता है। बेड कोलेस्ट्रॉल नहीं दोस्तों, हार्ट अटैक दो तरीके से आता है। एक तो हम गंदा खाना खाते हैं, बाहर फास्ट फूड पिज्जा सब कुछ लपेट के नीचे अंदर डाल लिया पेट में, तो वो बेड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता है, जो सिराओं पे यहाँ जमता है, तो वो ब्लड जाने नहीं देता, फिर वो ब्लॉक हो जाता है। एक तो वो होता है, वो तो लंबे टाइम के बाद होता है गलत खान पान की वजह से। लेकिन इस वैक्सीन की वजह से जो हो रहा है दोस्तों, अचानक से खून का धब्बा बन जा रहा है दोस्तों, सारा अचानक से खून का थपका बन के पूरी नस ब्लॉक हो जा रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। इसलिए आपने देखा होगा शादी ब्याह में लोग डांस करते हुए अचानक से मर जाते हैं, है ना, अपनों को छोड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। मरीजों के रिश्तेदारों ने $100 मिलियन का दोस्तों ये मुआवजा मांगा है, और मुआवजे की भी एक बड़ी खबर है। इस कंपनी ने पहले ही कह दिया था कि हम ये वैक्सीन बना रहे हैं, साइड इफेक्ट है। अब इसका जो मुआवजा बनेगा वो सरकारों को, राष्ट्रीय सरकारों को खुद देना पड़ेगा। हमारे भी मोदी सरकार देगी, अब ऐसा प्रावधान इन्होंने एग्रीमेंट में साइन किया है या नहीं किया होगा, लेकिन कंपनी कुछ भी नहीं देगी अगर किसी को कुछ होता है तो। ठीक है, लेकिन उस समय दोस्तों ऐसे हालात ऐसे थे कि इसके साइड इफेक्ट कम नजर आ रहे थे, इसका जो सही इफेक्ट थे वो ज्यादा सही लग रहे थे, क्योंकि कोविड को रोकना था। बाकी तरह तरह की बातें दोस्तों है, अब मीडिया है ना, मोदी जी तो जाएंगे अगर ये मुद्दा सही से चल गया तो। भारत में कोरोना वैक्सीन की कुल 220 करोड़ डोज लगी थी दोस्तों, अब 220 करोड़ दो दो ठोक दिए एक एक को, लगभग 100 करोड़ लोग चपेटे में हैं इसके, है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का शायद एक, है ना। कभी कभी तो लगता है कि मोदी जी वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों नहीं लेके आ रहे थे, ये लेके आ गए थे ना, फिर क्या जरूरत है ना। लेकिन वो अपना जब खोता है ना कोई इंसान दोस्तों, तो वही फील कर पाता है, ये एक फैक्ट है। सब लोगों को लगता है कि चलो दुनिया सरकारों के लिए, राजनेताओं के लिए एक भीड़ है, एक वोट बैंक है, लेकिन जब अपना कोई जाता है ना दोस्तों, जो अपना, मैं कहते हैं ना खूनी वाला अटबल आ गया जे करे ना, जितना दर्द होया करे, तो वही बात है, जिसका अपना जाता है ना उसी को दर्द होता है, बाकी दुनिया को क्या ही पड़ी है ना, उसके लिए तो कचरा है दुनिया। तो 29 अप्रैल 2024 तक भारत सरकार ने करीब 220 करोड़ 39 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है दोस्तों, अभी भी लोग लगवा रहे हैं। अब तक करीब 4 करोड़ लाख से ज्यादा कोविड के मरीज ठीक हो चुके हैं, करीब 5,33,000 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है, करीब 5 लाख लोग मर चुके हैं इंडिया में। अब कोविड से इतने मर गए, वैक्सीन से कोई नहीं मरे, भगवान करे, ठीक है। उसके बाद कोविशील्ड की 155 करोड़ डोज भारत मंगाई थी, 155 करोड़ डोज कोविशील्ड की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। हालांकि हार्ट अटैक पहले भी आते रहे हैं, 10 साल बाद भी आते रहेंगे, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक ही मुद्दा ये भी है, भारत में जनवरी 2021 से वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई थी, 16 जनवरी से। शुरुआत में भारत के लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई थी, हर व्यक्ति को इस वैक्सीन के 2 डोज दिए गए थे। भारत रशिया और चीन के बाद, है ना, भारत रूस और चीन के बाद दूसरे नंबर पर निर्यात करने वाला कोविशील्ड को देश बना था, है ना। तो इस प्रकार से ये बातें थी। अब दोस्तों जो समझदार लोग थे ना, वो तो क्या करता है, वैक्सीन लगवा ही नहीं। ये दोस्तों मैं शुरू से जो मेरे से जुड़ा हुआ था या मेरे फैमिली मेंबर रिश्तेदार में सभी को कहता था, और ये चर्चा भी चल रही थी तब, कि जिसके एक बार कोविड हो गया है, चाहे वो हल्का बुखार या है, उसमें एंटीबॉडी बन गई है। अब जिसमें एंटीबॉडी बन गई है वो खुद प्लाज्मा देके, एंटीबॉडी देके लोगों की जान बचा रहा है, वो अपने आप में चलती फिरती वैक्सीन है, तो उसको वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ये मैंने अपनों को समझाया, और अब तो वो कहते हैं ना कि पहले तो इससे शर्म आती थी कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई, अब तो प्राउड फील होता है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो भाई मैंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई, और मेरे फैमिली में किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जो जो मेरी बात मानता था, जिसने नहीं मानी पड़ोसी ने, वो लगवा ठुकवा चुका है, अब कह रहा है कि तू सही था, मैं सही था। कई बच्चे भी कह रहे थे उस टाइम में कि गुरुजी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, फलानी सरकार ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो हम एग्जाम नहीं देने देंगे, ये बोला गया था। मैंने कहा था कि बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है ना,
इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बच्चे, भर्ती लटक जाएगी, प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा, क्योंकि लोक नियोजन में अवसर की क्षमता को दोस्तों इस आधार पे डिनाई नहीं कर सकते कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेडिकल कंडीशंस होती है। मान लो मुझे कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जिससे मैं चाहकर भी वैक्सीन नहीं लगवा सकता, क्या तो क्या मुझे किसी एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा? ये तब धुआं 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 हो गया था चारों तरफ से, तो बच्चों ने डर के मारे लगवा भी ली, जिसमें ऑलरेडी बुखार आ गया था उसे बच्चे ने लगवा ली, वो गलती कर दी है ना। लेकिन फिर भी अब जो उपाय है उन पर हम बात करते हैं दोस्तों। आज हर सभी को ये शेयर करना है, आप अपने मिलने वालों को, दोस्तों को, कि ये चीजें फॉलो करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हार्ट अटैक से बचने के 3 उपाय हो सकते हैं, क्या क्या? सबसे पहले तो दोस्तों ये हालात उत्पन्न ही ना हो, लक्षण पे हम बाद में चलेंगे और ब्लड टेस्ट पे हम बाद में चलेंगे कि क्या करना है, लेकिन ये हालात उत्पन्न ही ना हो इसके लिए हम एक बेहतर जीवन शैली अपना सकते हैं। तो बेहतर जीवन शैली में क्या क्या है दोस्तों, अभी डॉक्टर्स का मानना है, मैंने भी अपने फ्रेंड और दोस्त जो डॉक्टर उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन है, हालांकि खाना कम कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें S1RH2 प्रोटीन नाम की चीजें बनती है जो थक्का जमने में और वो अनबैलेंस करने में ब्लड को थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो जो खाना है वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, लिमिट अंतराल पे खाइएगा, कोशिश करिएगा कि कम कर दे, और कम नहीं भी हो तो सप्ताह में 2 या 3 दिन आप एक टाइम खाना खा सकते हो, व्रत रख सकते हो, जैसा कि प्राचीन काल से, ऋषि मुनियों के काल से, वेदिक काल से चला रहा हमारी व्रत वाली परंपरा, तो वो यहाँ भी काम आएगी, है ना। तो खाना थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, इतना कम भी मत करिएगा कि फिर आप, है ना, ऐसे ही मरे मरे फिर हो, ठीक है। तो बेहतर जीवन शैली के लिए एक तो आपको खाना जो है दोस्तों, खाना है वो आपको कम कर देना चाहिए, या 2-3 दिन में एक बार व्रत कर लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, योगा। अब योगा में भी दोस्तों आपने देखा होगा कई बार जो है जिम में एक्सरसाइज करते हुए या योगासन करते हुए कई लोगों की डेथ हुई है, डांस करते हुए, तो वो भी एक एक्सरसाइज ही है, डांस भी। तो फिर क्या करें, तो दोस्तों एक योगा, डांस, ये एक्सरसाइज, इसका एक टाइम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिन में आप 1/2 घंटा कर सकते हो, 1 घंटा कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 घंटे से ज्यादा तो किसी भी सूरत में आपको नहीं करना है ना। इतना भी नहीं कि मुझे तो 2 ही दिन में फिट होना है, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है, हेल्दी लाइफ स्टाइल हमेशा ही काम करती है। तो दोस्तों जो योगा है, योगा बेस्ट है बजाय एक्सरसाइज के दोस्तों इस समय, क्योंकि एक्सरसाइज में आपका शरीर ज्यादा वर्क करता है तो उसमें ब्लड फ्लो कई बार कम ज्यादा हो जाता है, और जिम में आपने देखे होंगे कई वीडियो वायरल CCTV के, तो इस प्रकार के, तो योगा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, योगा करिएगा दोस्तों, है ना। इसमें ज्यादा हार्ड माथापच्ची भी नहीं है, आराम से घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों बेहतर जीवन शैली क्या हो सकती है, आपका खान पान, एक सही तरीके से फाइबर वाला खाना खाइएगा दोस्तों, जो सीजनल सब्जी होती है, फ्रूट्स होते हैं, वो लगातार कंटिन्यू रखिएगा, और फास्ट फूड खाने से बचे। जो चटोरे लड़के हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा होती है, पिज्जा भी लपेट लिया, बर्गर लपेट लिया, टिक्का वक्का पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, सोचिएगा दोस्तों कितना बेड कोलेस्ट्रोल होता है उसमें, और वो बेड कोलेस्ट्रोल ही आपकी धमनियों में जाके यहाँ जम जाता है, वो कोलेस्ट्रोल, बेड कोलेस्ट्रोल बहुत गंदा तेल होता है। तो मैं तो कहता हूँ सरकार ये क्यों नहीं करती कि ये जो सारे गंदे तरीके से खाना फास्ट फूड खिला रहे हैं उसको बैन कर दिया जाए, तो इंडिया कितना स्वस्थ रहेगा। अब विदेशी इतना नहीं खाते जितना इंडिया में चाहो चल पड़ा रे, चाइनीज, ये चाइनीज फूड खा लो, ये क्या है भाई, ये बंद कर दो आज ये, अगर चाहते हो कि अपनों का सपना लंबे समय तक पूरा करते रहो, वरना आज तुम खा रहे हो, अगर कोविड की वैक्सीन से भी आपको अटैक नहीं आ रहा ना, तो 20 साल बाद जाके आपको इस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा, 40-50 की उम्र में वैसे पहुंच खेल जाओगे आप, तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो आता है फास्ट फूड में, जो बाहर अक्सर तुम खाना खाते हो, इसको बिल्कुल डिनाई कीजिएगा, घर का खाना खाइएगा कंट्रोल सीमित मात्रा में विथ फाइबर के दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बेहतर जीवन शैली जो है ये कोशिश करेगी कि आपको उस सिचुएशन में लेके ही ना जाए, आपको दिक्कत ही ना हो। अब दोस्तों अगर फिर भी ये सब अपनाने के बाद भी होता है तो ऊपर वाले की माया है, तो आपको इन लक्षणों को पहचानना होगा। क्या हो सकता है दोस्तों, एक तो सिर दर्द हो सकता है दोस्तों, सिर दर्द इतना तेज हो आपको कि दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सीने में दर्द हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। अब सीने में दर्द कई कारणों से होता है, कई की नींद पूरी नहीं होती तो भी होता है, तो उसमें भाग मत जाना, इसलिए कह रहा हूं डर निकलना बहुत जरूरी है। मैं खुद भी जब दोस्तों ज्यादा कंटेंट राइटिंग करता हूँ, कहानी बनाता हूँ, मतलब बिजी रहता हूँ, नींद प्रॉपर नहीं ले पाता हूँ, तो मेरे भी सीने में दर्द होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जाके बेहोश हो जाऊँ कि भाई साहब मेरा तो चीर फाड़ कर दो, 2-4 छल्ले डाल दो, वो वैसे ही मार देंगे। तो अगर नींद आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है तो भी आपको सीने में दर्द हो सकता है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। कई हाल अब 2 दिन से सोया नहीं, चक्कर में टेंशन में कि कोविशील्ड लगवाई थी, नींद नहीं आ रही है, सीने में दर्द हो रहा है, मर गया, ऐसा नहीं करना आपको ना। नींद ना ही हो, नींद पूरी नहीं होने की वजह से भी आपको क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक नहीं मतलब दर्द हो सकता है, आप हार्ट अटैक ले सकते हो उसको ना, तो ऐसा नहीं करना है।
तो सिर सीने में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही बॉडी को, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही इसका मतलब ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होता है और ब्लड पहुंच नहीं रहा, ब्लॉक हो गई है जो आपकी जो पाइप है दोस्तों, ब्लड की पाइप है उसके किनारों पे दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है या रक्त का थक्का जम गया है, बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, आगे ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, और ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये भी एक संकेत है कि आप हॉस्पिटल जाइए तुरंत प्रभाव से। और ये अब देखो ऐसी सिचुएशन है कि सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है, हेलमेट पहनते हैं हम बाइक पे चलते हैं तो एक्सीडेंट होगा ही थोड़ा ही, लेकिन हम फिर भी संभल के रखते हैं ना हेलमेट पहन के। तो ऐसा करिएगा, इन सबसे पहले आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा, है ना। फिर कह रहा हूँ ब्लड टेस्ट भी वही करवाना जिनको ऐसा लगता है थोड़ा सा भी मामूली सा कि मेरे कुछ दिक्कत है, मुझे लगता है फील हो रहा, तो भी वरना डॉक्टर के जाओगे, डॉक्टर के ब्लड करवाते ही टेस्ट करवाते ही वो आपको रेगुलर पेशेंट बांध लेगा भाई साहब, उनका तो काम यही है, भर भर के दवाइयाँ दे देगा। तो वही बच्चे जाना जिनको ऐसी दिक्कत हो कि हाँ हमें ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना, आपको दो तीन ब्लड टेस्ट करवा लेना है दोस्तों, कौन कौन से दोस्तों, सीआरपी करवा लेना है, सीसीआर करवा लेना है, एस1 एस2 प्रोटीन का जो नाप है, प्लेटलेट्स देख लेना है, ये सब दोस्तों प्लेटलेट्स है ना, तो ये सब आपको ब्लड टेस्ट करवा लेना है। और डॉक्टर को ऐसे भी बोल देना है कि जो जो संभावित ब्लड टेस्ट होते हैं जो हार्ट अटैक से संबंधित होते हैं वो कर लीजिएगा। अब ऐसे नहीं आप HIV के कराते फिर और फलाना ढिंगाना, वो सब ना जरूरी नहीं है, उनसे नहीं मर रहे आप, ठीक है, है ना। तो क्या करना है, ब्लड टेस्ट करवा लेना है, वो संभावित टेस्ट एक बार तो करवा लेना है जिसको दिक्कत हो। फिर कह रहा हूं सभी मत चले जाना भाई साहब, है ना, जिसको दिक्कत हो, लगता हो कि हाँ मुझे दिक्कत है, वो ब्लड टेस्ट करवा लेना और खुद ही चेक कर लेना कि ओरिजिनली आइडियली क्या प्लेटलेट्स होनी चाहिए और मेरी क्या है। और अगर फिर आपको लगे दिक्कत की ये कंटिन्यू हो रही है, नींद पूरी ले रहे हो तो भी कंटिन्यू हो रही है, तो है ना, नींद पूरी नहीं ले रहे हो तो होगा भाई साहब, इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है, डॉक्टर भी नींद की गोली देगा आपको डाके, ठीक है। तो आप खुद जाके फिर डॉक्टर को बोल सकते हो कि ये लगातार गिरी, तो आप खुद मॉनिटर कर सकते हो, डॉक्टर के चक्कर में नहीं आना। ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टरों ने एक छल्ला डाल के तीन तीन छल्ले डाल दी, मार दिया, मेरे खुद रिलेटिव में, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है क्या हो रहा है, खूनी वाला हार्ट के लग गया करे, मैं भी के दर्द होया करे, तो डॉक्टर तो उनको तो क्या होता है भामाशाह कार्ड पूछते हैं पहले तो जाते कि है क्या चिरंजीवी योजना में, क्या लपेट लेंगे बस उनको फाड़ना है। तो इस चीज से बचना जिसको दिक्कत हो। फिर कह रहा हूँ नींद पूरी नहीं ले रहे हो तो आपको यहाँ दर्द हो सकता है, नींद पूरी ले रहे हो प्रॉपर उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लेना, है ना, बाकी आप सब समझदार हो। तो ये नाम की बीमारी हो रही दोस्तों TSS, ये कहते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम। क्या होता है ये, वही होता है कि रक्त का थक्का अचानक से जम जाना, तो अचानक से जमे भगवान ना करे ऐसा कभी हो, उससे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवा के अपने रहना है, सेफ जोन में है। सबसे पहले तो ये देख लो कि कोविशील्ड लगवाए कि नहीं लगवाई, है ना, और जिसने लगवाए नहीं वो तो मस्त रहो, उसका तो गलत खान पान की वजह से जाके होगा 40 साल की उम्र में, भगवान ना करे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई गलत खान पान बंद कर देना, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से 40-50 की उम्र में हार्ट अटैक आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और उससे पहले भी आ रहे हैं, क्योंकि पहले वाले पुराने लोग इतना बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते थे जितना आज वाले खा रहे हैं, क्योंकि पहले फास्ट फूड नहीं चलता था, पहले गांव वाली राबड़ी, छाछ राबड़ी, गिर बाजरे की रोटी ले चलिया करा, आजकल चल रहा है पिज्जा और मिगर पता नहीं क्या क्या उड़ा लिया इन लोगों को, है ना, रातों रात करोड़पति बना दिया तुम लोगों ने इसके चक्कर में, बस जीभ का चटको चाले बस है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो खाने का, घर का खाना खाइएगा, तो ये चीजें ध्यान रखना, इसके लक्षणों को पहचानना, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाना, थोड़ा सा योग करना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना, और दोस्तों अपना ब्लड टेस्ट अगर दिक्कत हो तो करवा लेना। ये जो जरूरी बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, मैंने अपना काम किया, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाइएगा कि डरने की कोई जरूरत, और डरने की कोई जरूरत नहीं वाकई में, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई, मैं बताता हूँ पर्सनली, मेरा छोटा भाई मुझे कोविड के बाद से, वो साइकोलॉजी तो था ही कि मेरे तो सीने में दर्द होता है, मैं क्या थप्पड़ पड़ेगी भी एक है तुझे कहें कि सीने में दर्द होगा, तो मैंने कहा चल डॉक्टर को दिखाते हैं चल, तो डॉक्टर बोला, डॉक्टर ने दवाई दे दी, अब उसको बता नहीं रहा है बात क्या है, उसको नींद नहीं आती थी, है ना, अब वो नींद पेपर आउट की वजह से हो, टेंशन नौकरी ना लगी हुई से, तुम्हारे साथ भी होता होगा ऐसा, कई बार रात में घंटे चक्कर चलते होंगे कि नौकरी नहीं लगी, और चलना स्वाभाविक भी है क्योंकि एक बड़े सपनों का पुलिंदा बोझ हमारे ऊपर है, तो नींद कई बार नहीं भी आती है, तो सेम उसके साथ भी हो रहा था, अब तो आने लगी उसको कि भाई तो छा गया, है ना, याद ही करवा रहा है जीके, तो जीके याद गारंटी पेज पे कल 2 मई को ऑफर भी है दोस्तों, शाम को 5 बजे देना है, ध्यान रखना कल शाम को 2 मई को शाम को 5 बजे जीके याद गारंटी पेज पे ऑफर भी है, है ना, तो अब तो आती है सबको नींद, तो उसको नींद नहीं आती, डॉक्टर को बाद में बताया, डॉक्टर ने नींद की गोली दी, उसको आ गई और वो 2 दिन ली हो गया तैयार,
तो ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से चीजें आती है कि ऐसा आपके साथ भी होता होगा, नींद नहीं आने की वजह से हार्ट में पेन हो सकता है दोस्तों। एक दोस्तों टेंशन की वजह से भी होता है, नींद नहीं आना, टेंशन ले रहे हो आप, पढ़ाई की टेंशन ले रहे हो, जॉब की टेंशन ले रहे हो, तो भी आपके हार्ट में पेन हो सकता है। तो टेंशन लेना बंद कर दीजिएगा, और मेरे से जुड़े हुए को तो टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि जीके आदि गारंटी पेज में सारा याद ही करवा रहा हूँ। अब जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहाँ टेंशन लेना, देर है पर अंधेर नहीं है, है ना। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो 9256-5542-40 ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, मैसेज डाल देना, चाहे कोर्स की रिगार्डिंग हो, चाहे स्टडी के रिगार्डिंग हो, पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, हर चीज़ की तरीके से हम एक्सपर्ट है ना बस दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम यूपीएससी वाले हैं, ठीक है। तो कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट ये जो थे, ये बातें अपनानी है, तो आप अपने सभी दोस्तों को ये शेयर कर देना। और आज रात लाइव 9 बजे हम अजमेर जिला दर्शन का सुपड़ा साफ करने वाले हैं, नया जी के विथ कहानी के याद करने वाले दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। और जो दोस्तों एग्जाम एम्पायर ऐप है उसका याद, जीके याद गारंटी पेज जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, जाके ज्वाइन करोगे, डाउनलोड करके रख लेना ऐप। कल मतलब 2 मई को, कल अब कल देखिएगा उसको कल कैसे लगेगा, तो 2 मई को शाम 5 बजे से जीके याद गारंटी पेज पर ऑफर रहेगा अप टू 40% ऑफ दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। ये शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है।